क्षमता का प्रयोग करती है फुटवर्क के साथ पूरे फ्लोर पर, यानी कि पूरे रिंग पर, रिंग क्राफ्ट जिसे एक मुक्केबाजी का संज्ञा दी जाती है कि एक बॉक्सिंग स्किल जो दिखनी चाहिए वो यहां पर दिख रही है उनके खेल कौशल में। योजना उन्होंने बनाई थी अपनी प्रतिद्वंदी के विरुद्ध, उस योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित कर रही हैं, प्रयोग कर रही हैं और अपनी बढ़त बना रही हैं। आप ये देखिए, वो अपने प्रतिद्वंदी के नजदीक ही नहीं रह रही ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज के, जैसे ही ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज नजदीक आती हैं वो फुटवर्क करती हैं, बाहर हो जाती है, साइड हो जाती है और पूरे रिंग पर वो फुटवर्क करती हैं। उनको पता है कि उनकी प्रतिद्वंदी उनको पकड़ नहीं पाएंगी फुटवर्क के जरिए। तो आनंद, यहां पर एक ये जो मुकाबला है ना, एक तरफा सा है पहले ही दौर से, बहुत ही सहजता के साथ वो अपनी विजयश्री की ओर अग्रसर कर रही हैं मैराको की मुक्केबाज। संजीव, आपको बॉक्सिंग रिंग में कुछ सुमो पहलवानी के नजारे नहीं नजर आ रहे कजाकिस्तान की मुक्केबाज को देखकर? हाँ बिल्कुल, इस भार वर्ग में खैर ऐसा ही देखने को मिलता है, हैवीवेट क्लास का ये मुकाबला है, भारी वजन वर्ग है, मगर ताकत का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। मगर मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर रेड कॉर्नर की, इस मुक्केबाज की, कि वो इतना अच्छा तेजी से फुटवर्क कर रही है, इतना ज्यादा फुटवर्क इस भार वर्ग में बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कहता कि देखने को नहीं मिलता है, मगर बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत ही विरला मुक्केबाज ही होता है जो इस तरीके का खेल कौशल दिखाता है, क्योंकि इस खेल कौशल में, इस भार वर्ग में धीमी गति से चलते हैं मुकाबले, ताकत ज़्यादा चलती है, स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा खेलते हैं मुक्केबाज। मगर यहाँ पर तो मैं तारीफ करूँगा इस मुक्केबाज की, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज की। प्रत्युत्तर जरूर दे रही है कजाकिस्तान की मुक्केबाज ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, मगर वो दोनों ही औरतें बहुत ही अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन, और ये चाइनीज टाइपाइन की मुक्केबाज ने न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा, वही टारगेट एरिया पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हो रहा है, यानी कि माथे से लेकर के आपका नाभि तक का टारगेट एरिया होता है और ये जो वाइट बेल्ट है ये आपकी सीमा होती है प्रहार क्षमता की, कि इससे नीचे आप प्रहार नहीं कर सकते, बिलो द बेल्ट प्रहार माना जाएगा, वो नियमों का उल्लंघन माना जाता है। तो बिलो द बेल्ट प्रहार कोई भी मुक्केबाज अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर नहीं कर सकता है, प्रहार क्षमता का प्रयोग, और ये प्रहार अंतिम क्षणों में जाता हुआ ये मुकाबला, और ये लगातार प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई कॉम्बिनेशन पंचेज का प्रयोग कर रही है मिराको की मुक्केबाज। ये प्रयास बहुत अच्छे, उन्होंने चार पंचों का कॉम्बिनेशन किया और दो पंचों के साथ प्रहार करके साइड स्टेप लिया, ये रणनीति उनकी बहुत ही अच्छी, चपलता के साथ तेजी के साथ आई, चीते जैसी फुर्ती दिखा रही हैं, ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी, काबिले तारीफ। अंतिम 10 सेकंड शेष इस राउंड की समाप्ति में, ये तीसरा और अंतिम निर्णायक राउंड है और इस राउंड के साथ साथ इस मुकाबले की भी समाप्ति, और इस मुकाबले की समाप्ति के साथ इस प्रतियोगिता की भी समाप्ति होगी। हालांकि पदक तालिका में अपना नाम सुनिश्चित जरूर करेंगी ये मुक्केबाज, स्वर्णिम सफलताएं दिलाएंगी, पदक दोनों ही मुक्केबाजों के लिए है, पदक तालिका में नाम तो इन दोनों मुक्केबाजों ने सुनिश्चित कर लिया है, मगर अब पदक का रंग क्या होगा ये तो निर्णय लेंगे, सुनिश्चित करेंगे वो 5 जजेस जो खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करते हैं और उनको अंक प्रदान कर सकते हैं। आनंद, मैं तो रेड कॉर्नर के साथ हूं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल रेड, और रेड की मोरक्को की मारदी खदीजा ने इस मुकाबले में जिस ढंग से वर्चस्व दिखाया, जो प्रभुत्व दिखाया है, उन्होंने दिखा दिया कि पिछले कुछ समय में मोरक्को ने विश्व के मंच पर, खेलों की दुनिया में जिस ढंग से अपना प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाया है, आज उसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है मोरक्को की मारदी खदीजा। जहां तक बात लज्जात की करें तो आज ऑफ कलर नजर आई मारदी के सामने, और जो एथलेटिसिज्म नजर आया मारदी के खेल में, जो चपलता नजर आई फुटवर्क के मामले में, कहीं ना कहीं परेशान कर दिया कजाकिस्तान के समर्थक। आज लगता है कि सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ेगा उन्हें। Ladies and gentlemen, this final championship bout of the evening and your concluding bout, about 312, comes to a close after the official completion of 3 3-minute rounds in the elite women's plus 81 kg heavyweight division. This bout was to determine your gold medalist and crown your world women's undisputed plus 81 kg heavyweight champion.
After completing three-minute rounds, we go to the judges' scorecards, where your judges have ruled in favor of your winner by points, declared by split decision. To the red corner, the Maccabi. और बिल्कुल वही हुआ जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे. स्वर्ण पदक विजेता हुई है यहाँ पर हैवी वेट क्लास की प्लस 81 वेट कैटेगरी की. 4-1 का डिसीजन रहा मगर मारदी ने इस मुकाबले को जीता. मिराको की इस मुक्केबाज ने अपनी प्रतिद्वंदी कजाकिस्तान की मुक्केबाज के विरुद्ध J1 ने 30-27, J2 ने 28-29, J3 ने 30-26, J4 ने 30-27 और J5 ने 27-30 का अपना निर्णय दिया. ये निर्णय बहुत ही सफल. J2 ने 28-29 का निर्णय दिया था और ये है स्वीटी स्वर्ण पदक विजेता स्क्रीन पर दिखती हुई भारतीय मुक्केबाज. और ये है मिराको की मुक्केबाज स्वर्ण पदक विजेता प्लस 81 वेट कैटेगरी की ये मुक्केबाज जिन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया और बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण उनका. अपनी जीत का आगाज किस तरीके से करना चाहिए कोई इन मुक्केबाजों से सीखे. बहुत ही प्रसन्नचित और बहुत ही सहजता के साथ सभी का अभिनंदन अभिवादन और सभी को प्रणाम किया और अपने प्रशिक्षक के गले लगकर अपनी जीत की खुशी को साझा किया. अद्भुत कमाल धमाल और झन्नाटेदार प्रदर्शन मोराको की मारदी खदीजा का. और यहां पर इस मुकाबले के रीप्ले पर डालते हैं नजर. शुरू इन्होंने दुनिया जीत ली है. इन्होंने दिखा दिया है कि दमखम क्या होता है, बॉक्सिंग स्किल्स क्या होती है, टेम्परामेंट क्या होता है और मैच अवेयरनेस क्या होती है. मारदी खदीजा मोराको की वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट और ये उनको गोल्डन बेल्ट दिया जा रहा है. हर खिलाड़ी का सपना होता है कि अपने खेल के सबसे बड़े मंच पर अपने देश के राष्ट्र ध्वज का मान बढ़ाए और मोराको की मारदी खदीजा ने वो कर दिखाया. ये यादगार लम्हे हैं इन सभी मुक्केबाजों के जीवन के. Ladies and gentlemen, the official photo of the athletes and the officials. लंबे समय तक दशकों तक और कई पीढ़ियों को ये तस्वीरें दिखाएंगी ये महिला मुक्केबाज कि मैंने जीत का परचम लहराया था और पोडियम फिनिश के वो विजयी मुस्कान भी इन तस्वीरों में लंबे समय तक याद रहेंगी. संजीव बिल्कुल मोराको के मुक्केबाज जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, कजाकिस्तान की मुक्केबाज जिन्होंने रजत पदक जीता, रशिया की मुक्केबाज जिन्होंने कांस्य पदक जीता और अजरबैजान की मुक्केबाज जिन्होंने कांस्य पदक जीता.